दोस्तों, क्या आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं खुद का YouTube चैनल क्रिएट करना, लेकिन आपको आइडिया नहीं है? तो मैं बताऊंगा आज आपको कि कैसे YouTube चैनल क्रिएट करते हैं और बिना किसी हेल्प के, वो भी कम समय में। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी पूरी सेटिंग के साथ, वो भी कम समय में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप जब भी देखते होंगे यूट्यूब पे ध्रुव राठी, कैरी मिनाटी या ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बहुत सारा पैसा अर्न करते हैं बाय यूट्यूब, तो आप भी सोचते होंगे कि यार मुझे भी अपना चैनल क्रिएट करना है, बट आपको आइडिया नहीं होता है। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल तरीका होता है, क्योंकि आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो ये जान लीजिए कि आपका सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन स्टार्ट करने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए, गूगल अकाउंट बनाने के लिए एक जीमेल का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो यही जीमेल के थ्रू आप अपना एक नया चैनल बना सकते हैं बिना किसी हेल्प के। तो आज बहुत सारे सिंपल वे से मैं बताऊंगा आपको सिंपल तरीके से कि वो जीमेल अकाउंट के थ्रू आप कैसे अपना यूट्यूब चैनल बनाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जाना है अपने क्रूम पे, और क्रूम पे जाके हमें लॉगिन करना है। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप क्रूम पे जाएंगे तो अब आप उसे एक कॉर्नर में थ्री डॉट दिखेगा, तो थ्री डॉट पे क्लिक करके आप उसको डेस्कटॉप मोड पे ले आएंगे। तो जैसे ही आप डेस्कटॉप मोड पे ले जाएंगे, वो पूरा जो व्यू होगा वो डेस्कटॉप जैसा हो जाएगा, यानी आप मोबाइल में ही डेस्कटॉप का व्यू देख सकेंगे। तो उस पर नीचे देखेंगे आपका एक जो भी जीमेल अकाउंट से या गूगल अकाउंट से लॉगिन किया होगा, उस पर एक आइकन दिखेगा नीचे के डाउन, तो उसको आप अपने योर चैनल पे क्लिक करेंगे। योर चैनल के बाद आपका एक प्रोफाइल खुल जाएगा, मैंने अपना पहले ही चैनल बना के रखा हूँ, तो मैं उसी पर आपको बताऊँगा कैसे बनाना है। तो उस पर कस्टमाइज चैनल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कस्टमाइज चैनल पे, वो आप डायरेक्टली लिंक हो जाएंगे अपने यूट्यूब से, डायरेक्टली लिंक हो जाएंगे, तो आपका यहाँ चैनल ओपन होता है। तो ओपन होने के साथ ही आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे अपना चैनल का लेआउट कैसा है, यानी ब्रांडिंग करनी होती है। तो उसमें आप करेंगे एक प्रोफाइल पिक्चर, जो ऊपर आपको दिख रहा है वो प्रोफाइल पिक्चर है, यानी पिक्चर दिखाना होगा, एक बैनर इमेज लगाना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे बनाना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप कैनवा पे बना सकते हैं, बहुत सारा ऐप्स होता है जिसपे आप बना सकते हैं। तो उसके बाद ब्रांडिंग करने के बाद आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देना होगा, यानी आपको किस चैनल, किस बेसिस का चैनल बनाना है, यानी अगर आपको व्लॉग करना है व्लॉगिंग चैनल बनाना है, गेमिंग चैनल बनाना है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। आपका जो आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, एंटरटेनमेंट इंटरेस्ट हो, कॉमेडी में इंटरेस्ट हो, या फिर कोई ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट हो, तो आप उस हिसाब से अपने चैनल का नाम रख सकते हैं। तो मैंने अपने चैनल का नाम व्लॉग विद अफरोज रखा है, क्योंकि सकते हैं चूँकि मेरा चैनल व्लॉगिंग चैनल है, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम व्लॉग विद अफरोज रखा है। उसके बाद नीचे आता है हैंडल, तो हैंडल आपका जो भी यूट्यूब एक्सेप्टेबल करता है, यानी एक्सेप्ट करता है, आप उसको अपने मन से रख सकते हैं। और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आता है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको ये लिखना है कि आपका चैनल जो भी रिलेटेड है, जिससे रिलेटेड है, कॉमेडी से रिलेटेड है, ब्लॉगिंग से रिलेटेड है, आप उसमें नीचे लिख सकते हैं। तो मैंने अपने चैनल का, चूँकि मेरा ब्लॉगिंग है, तो मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा तो नहीं लिखने के बाद नीचे आता है चैनल URL, चैनल URL ऑटोमेटिकली जनरेट रहेगा। उसके बाद कुछ लिंक्स आएंगे, तो लिंक्स आपको सोशल मीडिया पर जो भी आपको देना है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का, वो आप दे सकते हैं। और नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में अपना जीमेल आईडी देंगे। उसके बाद दोस्तों, सबसे नीचे लेफ़्ट कॉर्नर में आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेटिंग पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ सेटिंग्स खुलेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन होगा वो है जनरल। जनरल में आपको कुछ करना नहीं है, USD डॉलर सेलेक्ट करके छोड़ देना है। उसके ऑप्शन पे आ जाएंगे, दूसरे चैनल के ऑप्शन में बेसिक इन्फॉर्मेशन में हम कंट्री ऑफ रेसिडेंस जो है वो इंडिया डालेंगे। उसके बाद कुछ अपने चैनल का कीवर्ड्स डालेंगे। कीवर्ड्स डालने के बाद, तो दोस्तों बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होने के बाद हमें आ जाना है एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। तो यहाँ दोस्तों ये बता रहा है कि क्या आपका चैनल बच्चों के लिए बना है, तो ऐसा नहीं है, हमें नो सेट दिस चैनल फॉर किड्स, ये इस पर क्लिक करके ओके कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों हमें फ्यूचर एलिजिबिलिटी की एक ऑप्शन आता है, ये हम लास्ट में करेंगे, लास्ट में बताऊंगा मैं आपको कैसे करना है। फिर नीचे ऑप्शन में आएंगे ऑटोमेटिक कैप्शन, तो इस पर नहीं देना है। एडवर्टीजमेंट में ये कुछ नहीं कहा। क्लिप्स पे अलाउ व्यूवर्स टू क्लिप माई कंटेंट, इस पर अगर आप क्लिक करना चाहें तो, क्योंकि व्यूवर्स को आप ये अलाउ कर रहे हैं कि आपका कंटेंट वो यूज़ कर सकते, तो बिल्कुल आप अलाउ कर सकते हैं, अलाउ करिए इनको।
फिर उसके बाद हमें नीचे आना है अपलोड डिफ़ॉल्ट्स पे। तो दोस्तों अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में मैंने कोई सेटिंग नहीं की है, क्योंकि ये सेटिंग जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तब करनी होती है, तो इसलिए मैंने इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। हाँ, अनलिस्टेड पे, विजिबिलिटी पे अनलिस्टेड किया है और कुछ टैग्स वगैरह डाल दिया है वीडियो के लिए। फिफ्थ ऑप्शन जो आ रहा है कम्युनिटी पे, तो कम्युनिटी पे दो चीज़ें आपको दिख रही है, एक ऑटोमेटेड फीचर से एक डिफ़ॉल्ट फीचर दिख रहा है। तो डिफ़ॉल्ट पे हमें आना है और ऐसे कमेंट जो आपको नहीं पसंद है, यानी वीडियो पे कुछ गलत कमेंट्स आ रहे हैं या फिर कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, तो उसके लिए हमें एक फर्स्ट ऑप्शन है अलाउ ऑल कमेंट्स और दूसरा ऑप्शन है होल्ड पोटेंशियली, यानी कुछ ऐसे कमेंट्स है जो आपको नहीं पसंद है तो आप दूसरा चेक कर सकते हैं, मैसेज इन योर लीव चैट। लीव चैट में आपको क्या करना है, आपको होल्ड पे ही चेक करके इसको सेव कर देना। तो दोस्तों लास्ट ऑप्शन है एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट पे हमें कुछ करना नहीं, ये सारा ऑलरेडी चेक यानी ओके रहता है। तो अभी फिर से चेक करते हैं, हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है, एडवांस सेटिंग कंप्लीट है। अब लास्ट ऑप्शन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूचर एलिजिबिलिटी। तो फ्यूचर एलिजिबिलिटी पे हमें क्लिक करना है, उसके बाद सबसे पहला ऑप्शन जो खुलता है वो है स्टैंडर्ड फ्यूचर, फिर उसके बाद दोस्तों नीचे ऑप्शन है इंटरमीडिएट फीचर्स, उसके बाद एडवांस फीचर। ये तीनों हमारा इनेबल्ड होना चाहिए, जिसमें कि फर्स्ट वन इनेबल्ड रहता है। तो इनेबल्ड कैसे होगा दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे इनेबल्ड। तो दोस्तों लास्ट वन इनेबल्ड करने के लिए एडवांस सेटिंग में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, यानी हम इसको इंटरमीडिएट फीचर इनेबल्ड करने के लिए हम कौन कौन सी आईडी लगा सकते हैं। तो आप वीडियो वेरिफिकेशन से कर सकते हैं, आप वैलिड आईडी कर सकते हैं, चैनल हिस्ट्री को दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया है दोस्तों, मैंने अपना एक वैलिड आईडी यानी मैंने DL का यूज़ किया है, जिसकी वजह से मेरा चैनल जो है वो बिल्कुल ही इनेबल्ड हो गया, यानी एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर इनेबल्ड हो गया और मैं आसानी से वीडियो अपलोड कर सकता था। तो मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसके लिए एक वैलिड आईडी जो कि DL है या फिर कुछ और DL यूज़ करें, ताकि आपका जो चैनल है वो जल्दी ही इनेबल्ड हो जाए, ताकि आप वीडियो आसानी से। आज DL है तो आप उसको दोनों तरफ का फ़ोटो मांगेगा YouTube, तो आप दोनों फ़ोटो क्लिक करके दोनों तरफ से इसको अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपका जो चैनल है वो 24 घंटे के अंदर इनेबल्ड हो जाए। ये सब सारी सेटिंग होने के बाद दोस्तों इसको सेव करते हैं, सेव होने के बाद हमारा चैनल कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद हम आसानी से वीडियो अपलोड कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद हम पब्लिश कर देंगे इसको लास्ट में, और पब्लिश करने के बाद हमारा चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो अस्सलाम वालेकुम एंड बाय।